चार बजे आए, लड़की थी बीमार है हमारी, परेशान है, बच्चा छोटा ही मेरा और कोई मेरे आगे पीछे नहीं है। तो ये देख लीजिए मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है। कोई भी नहीं सुनता यहाँ। तो आप रिक्वेस्ट करिए आपने कि सर जी, हमने रिक्वेस्ट किया, उधर भी बोला इधर भी बोला, कहते उधर जाओ, कहते सर से, उससे डीएम से बात करो, उससे बात करो, किससे बात करें, बताइए। सवेरे का आदमी बच्चा लेके सर, गर्मी का टाइम है, कितना हम परेशान हो रहे हैं। बीमार बच्चा मेरा, ऑपरेशन वाला बच्चा है, रोहतक में मेरा लड़का ही पास। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे और किस प्रकार से महिला रोती हुई नजर आ रही है। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस बच्चे का करवाना है आपको। इस बच्चे आप कब से आए हैं यहाँ? हम तो जी रात कह रहे हैं सर जी, हम तो और 10 दिन हो गया, हमारे यहाँ चक्कर काट रहे हैं। अल्ट्रासाउंड? हाँ जी अल्ट्रासाउंड की जी। अच्छा अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा? ना जी हो नहीं पाया। क्या क्या बोलते हैं? ये इनका नंबर नहीं आता, काटते हैं। चार पांच वहाँ था ले जो उनसे इनके वो मिली भगाता है, आरसी और सिफारिश हमें नहीं पता जी। बाकी ले देख का मैं, बाकी मारा था मना पैर तक पकड़े जी, और बाकी ने छोड़ दिया जी। और गीट था हम वहाँ रहे जी, चल का 15-16 किलोमीटर मना तो जी 8 दिन हो गए। एक दिन मेरे पैर में मोच आई, मैं हालात खराब हो रहे हैं। देखो ये देखो ये देखो कितना खराब है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। और आप बताएं, मैं लड़का हूँ सर इनका, तो सर मैं अपने पिता का इलाज कराने के लिए यहाँ एक हफ्ते से चक्कर काट रहा, और ये लोग बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे। और मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा कर इन पे ध्यान दिया जाए। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? जो इनके सिफारिश आते हैं बंदे, उनके अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं। मैं रात का यहाँ पे पड़ा हूँ और मच्छरों ने खा लिया, और अब तक मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाए मेरे पिताजी के। कितने दिन हो गए अल्ट्रासाउंड के? ये 7 दिन हो गए सर। 7 दिन से अल्ट्रासाउंड ही नहीं हो पा रहा? हो नहीं पा रहा सर। तो मेरी खट्टर साहब से और जो यहाँ के मतलब ये सांसद साहब हैं संजय भाटिया से, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपा कर यहाँ पे ध्यान दिया जाए और छप्पे मारे जाए। इनको दिक्कत ही आएगा, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पूरे चेहरे पे सोई है और पूरे मतलब शरीर बेकार हो रहा है पड़ा है जी। अच्छा कहाँ से आते हैं? मैं गांव गेट से आता हूँ, मेरा नाम किलोमीटर दूर है यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ता है सर। रोज आते हैं? मैं डेली आता हूँ सर। शाम को जाते हैं? शाम को क्या, मैं रात को यहाँ रह लेता हूँ सर। अच्छा आप भी अल्ट्रासाउंड करने हैं? ये इन्हें यहाँ पे होता है कि ऐसा कि नहीं सर जी, हम 4 दिन से हम भी दौड़ रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये लड़की हमारी ननद है, हम गोरखपुर से आए हैं, बहुत दिक्कत है, वहाँ पे भी जवाब दे दिए। अच्छा तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा? नहीं यहाँ पर नंबर लेते ही नहीं है। अच्छा यहाँ अभी हमने उस सुबह से हम लोग बैठे हुए 4 बजे के सर, मेरे आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब को निवेदन है, 4 बजे से आए, लड़की थी बीमार है हमारी, परेशान है, बच्चा छोटा ही मेरा और कोई मेरे आगे पीछे नहीं है। तो ये देख लीजिए मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है। कोई भी नहीं सुनता यहाँ। तो आप रिक्वेस्ट करिए आपने कि सर जी, हमने रिक्वेस्ट किया, उधर भी बोला इधर भी बोला, कहते उधर जाओ, कहते सर से, उससे डीएम से बात करो, उससे बात करो, किससे बात करें, बताइए। सवेरे का आदमी बच्चा लेके सर, गर्मी का टाइम है, कितना हम परेशान हो रहे हैं। बीमार बच्चा मेरा, ऑपरेशन वाला बच्चा है, रोहतक में मेरा लड़का ही पास। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे और किस प्रकार से महिला रोती हुई नजर आ रही है। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस बच्चे का करवाना है आपको। इस बच्चे का करवाना है? इसका कराना है मुझे। अच्छा इसका करवाना है, इसे क्या हुआ था? सर जी इसका लैटरिन का रास्ता नहीं था, ये पीजीआई में भर्ती था रोहतक। लड़की को क्या दिक्कत है? इसको टीवी की दिक्कत है, इसको पानी फेफड़े में भर गया है। अपने बंदों के लेते हैं नंबर? हाँ सर जी, ये दूसरे दूसरे का नंबर लेते हैं, पहले से ये नंबर लेके रखते हैं। आपका नंबर नजदीक था तब भी नहीं लिया? नहीं सर जी नहीं लिया इन्होंने। कितने बजे से खड़े हो आप लोग? हम 4 बजे से सवेरे के आके खड़े हैं। 4 बजे? हाँ जी सर। और पहले के भी नंबर ले लेके, ये पहले के भी नंबर ले लेके, जो स्टाफ के नंबर है उन सब के नंबर ले लेते, मगर हम लोग का नंबर नहीं ले रहे। अभी हल्ला किस बात पे हुआ था यहाँ पर सर जी? जैसे दूसरे के नंबर ले लेते तो हम लोग बोलेंगे नहीं, उसी बात पे हुआ था सर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नागरिक अस्पताल की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाहर लिखा जरूर हुआ है अल्ट्रासाउंड एवं सिटी स्कैन, लेकिन सुविधाएं कितनी दी जा रही हैं ये जीता जागता उदाहरण है। आप सर ये पर्चियां लगी हुई हैं और हमारा उसके बावजूद भी नंबर नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तो मेरी माननीय संजय भाटिया जी से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे छापा मारा जाए और देखा जाए ये हो क्या रहा है। और जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलते हैं, महिलाएं रो रही हैं, ये आप देख सकते हैं आंखों में आंसू हैं और किस प्रकार से अल्ट्रासाउंड के लिए परेशान किया जा रहा है। नंबर पूरे हो
हो गए, नंबर पूरे हो गए। हाँ, कितने बजे आके लग जाते थे लाइन? हम तो 5 बजे भी आए, रात ने भी आए, फिर पूरे होए पाए नु कहीं, यहाँ तो पूरे हो गए जाओ नु कह बोल दे। आपके सामने बंदे होते थे यहाँ पर लाइन में? हाँ, लाइन में थे। भाई जी कहाँ से आते हैं आप? हम तो दुल्हनपुर से आ रहे हैं। कितने दिन से आ रहे हैं? हमने तो आज 5वां दिन आ गया जाओ। हाँ, 5 दिन नुक बोले भाई नंबर पूरे हो गए। अच्छा, बल्ले फिर हम चले जाते। सुबह आए थे आज हम? कितने बजे? आज तो हम 3 बजे तक ही आ गए थे यहाँ से। हाँ, और एक बंदा साथ लेकर आए ना? एक बंदा यहाँ छोड़ रखा था हमने। अच्छा, रोटी पानी के लिए? ना ना, रोटी पानी तो हमने वहाँ खा लिया था, वहाँ बन रहा। अच्छा, और कब कब जाओगे? शाम को जाते हो? देखो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा जी, जब जाएंगे। बहू का करवाना? बहू का? हाँ, दिक्कत है। ये देखिए किस प्रकार से बुजुर्ग महिला, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम 4 बजे सुबह यहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो व्यक्ति 4 बजे यहाँ पर पहुँच जाता है वो उठता कितने बजे होगा? ताई जी कितनी दूर गांव है आपका? दलानपुर है, बूढ़े खेड़े के पास करना। 8 किलोमीटर दूर है। और किस प्रकार से महिला बहुत ज्यादा परेशान है, और ये देखिए किस प्रकार से पिछले कई दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इनका भी अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और सेवाएं नागरिक अस्पताल में कितनी देखी जा रही हैं, ये किसी से छिपी नहीं हुई। काफी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें जी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी और गृह मंत्री अनिल विज जी से निवेदन है हमारा कि यहाँ पे स्टाफ बढ़ाया जाए। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उसका सलूशन तो करो प्रॉब्लम का। यहाँ रोजगार दे नहीं रहे हैं, यहाँ कोई मिल नहीं रहा है। ये देख नौजवान लड़के हैं, MA BA PhD करके घूम रहे हैं, तो हमारे को नौकरी दे दो, हम यहाँ सुविधा बढ़ाएंगे। मशीनें बढ़ाओ, यहाँ एक ही मशीन है पूरे जिले के अंदर, एक ही मशीन है क्या? यह है क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी? एक ही मशीन रहेगी पूरे जिले में? इस जिले में गांव कितने आते हैं? कम से कम 80-90 गाँव आते हैं। 80-90 गाँव में एक ही मशीन होगी तो यही हाल होगा भाई जी। मशीन बढ़ाई जाए, स्टाफ को बढ़ाया जाए। और सबसे निवेदन है हमारा गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि नौकरी दी जाए हमें पढ़ाया जाए। मैं रेडियोग्राफर हूँ, डिप्लोमा है मेरे पास रेडियोग्राफर का, मौलाना मेडिकल कॉलेज से। मैं आज बेरोजगार घूम रहा हूँ यहाँ पे। और ये देख लिए एक और उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितने समय आपने नौकरी की वहाँ पर? मैंने प्राइवेट जॉब की, कुछ कुरुक्षेत्र की, कुछ यहाँ निर्मल हॉस्पिटल में की। यहाँ के फार्म 1-2 बार भरे, वो आ भी गए, लेकिन हमारी सिलेक्शन नहीं कर दी। जो पैसे देता है उनकी सिलेक्शन होती है। हम तो कम से कम 2009 में हमने वो की थी रेडियोग्राफर का डिप्लोमा, 2009 से लेके आज तक धक्के ही खा रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जीता जागता उदाहरण है, जिनके पास काबिलियत है वो सड़कों पर रुलने को मजबूर हैं। और जो लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आते हैं वो भी परेशान हैं। पिछले 6-6 दिन हो जाते हैं, 7-7 दिन हो जाते हैं, लेकिन इनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीर हैं, करनाल के नागरिक अस्पताल की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ तो बहुत ज्यादा है लेकिन सुविधाएं बहुत कम है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल 24।